guys, welcome back to another video. My name is Archita and I welcome you all to our channel. And in case if you're new here, then please do not forget to hit the subscribe button. So, इस बार मैंने Amazon से इतनी ज्यादा random चीजें order करी हैं, मुझे पता भी नहीं है वो कितना काम करने वाली हैं. और मैंने कभी भी उन products के बारे में पहले नहीं सुना. I randomly found those things on Amazon and now it's the time to try them कि वो कैसी हैं, कितना हमारे use में आने वाली हैं. But the good news for you guys is that you do not have to try anything क्योंकि मैं हूँ ना आप लोगों के लिए try करने के लिए सारे products. So I have ordered all these random things from Amazon और अब इनको एक-एक करके try करते हैं. So first जो हम try करेंगे product वो है ये एक phone है. Don't worry, ये कोई normal phone नहीं है. ये मैंने order किया है 14 Pro Max. However ये है एक ta-da. So this is how it looks from inside. और इसको बंद कर सकते हैं हम, ये अच्छे से लॉक हो जाता है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. ये इसके आगे यहाँ पे मिरर आया है. हम यहाँ से इसकी ये प्लास्टिक पील करते हैं. This is how it looks. ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा मुझे. बट इफ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ओकेश लग रही है मुझे क्योंकि यहाँ से काफी गंदा आया है. मैंने अमेजोन को बोला भी था कि मुझे यहाँ से मेकअप ब्रश जो है वो मिसिंग है. साथ ही साथ ये यूज्ड लग रहा है बट दे डिड नॉट चेंज इट फॉर मी. तो कोई बात नहीं, हम इसी से अभी काम चलाएंगे. लेकिन हम इस आई शेडो को आज थोड़े डिफरेंट तरीके से लगाने वाले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे. सो जो टूल हम यूज करने वाले हैं आज लगाने के लिए हमारा आई शेडो, वो होगा ये टूल. ये है एक आई मेकअप हेल्पर. इसमें चार तरीके के टूल्स आए हैं जिससे आप अपना आई शेडो, विंग्ड आई लाइनर और मस्कारा लगा सकते हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस. This is how it looks. इसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है. यहाँ से हम इसको ऐसे खोल सकते हैं. तो आई थिंक ये जो पार्ट है ये शायद हमारा आई लाइनर के लिए यूज होगा. सो वी विल फाइंड आउट एवरी थिंग. बट अभी स्टार्ट करते हैं आई शेडो को अप्लाई करना. एज पर द पेपर ये हमको कुछ इतनी टाइप की हेल्प करेगा. सो वी विल सी कि एक्चुअली कितना सक्सेसफुल है, कि कन्वीनियंट है भी नहीं लगाने में. और यू नो अगर ये काम कर जाता है ना, एंड इफ यू आर अ बिगिनर आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. हम अपना लेंगे ये प्यारा सा आईफोन 14 प्रो मैक्स का आई शेडो. जो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा प्यारी लगी कि शेड्स काफी ज्यादा अच्छे आए हैं. इनका टेक्सचर भी काफी सही लग रहा है मुझे और ये बहुत स्मूथ भी है. मैं थोड़ा सा डार्क शेड लेती हूँ सो दैट कैमरे पे समझ में आए. आई थिंक हमको ये वाला पार्ट यहाँ पे लगाना है और इसके ऊपर हमें आई शेडो लगाना है. ये देखो शेप तो काफी मस्त आ गई है. लाइक इफ यू आर अ बिगनर और अगर आपको नहीं समझ आता कि कहाँ से आपकी क्रीज आएगी, कहाँ से आपको वो कट्स आएंगे, तो आप इसको रख के वो एक प्रॉपर शेप बना सकते हो. सो इट रियली वर्क्स. अभी दूसरी आंख पे भी कर लेते हैं. तो नेक्स्ट हम इसमें ट्राई करते हैं इसका ये वाला. इसमें जो पिक्चर बनी है उसके हिसाब से इससे आईलाइनर बनेगा और आई गेस यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे. कुछ हुआ है? लाइन तो ड्रॉ हुई है बट आई थिंक मुझे इसे थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए था, नीचे हो गई है लाइन ज्यादा. सो मैंने अभी मिरर के सामने ड्रॉ किया है बिकॉज कैमरे पे मुझसे बिल्कुल भी नहीं ड्रॉ हो रही. इट काइंड ऑफ वर्क्स. उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना मुझे लगा था और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है करने के लिए बिकॉज इट्स रियली क्लोज टू योर आईज. तो डर भी लगता है कहीं आंख में ना लग जाए. बहुत ज्यादा क्लीन लाइन ड्रॉ नहीं हो रही. आई थिंक उससे बेटर वो टेप वाला हैक है लाइक रादर देन बाइंग दिस वन. ये मुझे पड़ा है बाय द वे 295 रुपीज में, तो बहुत एक्सपेंसिव है. और इसके बाद जो इसका लास्ट एप्लीकेटर है फॉर द मस्कारा, हम वो भी ट्राई करेंगे बिकॉज मेरे लोअर लैशेस के साथ जो हमेशा प्रॉब्लम आती है वो ये है कि यहाँ पे मेरा मस्कारा हमेशा लग जाता है. लाइक आई लैश पे बहुत कम लगता है, नीचे लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ब्लैक लगती है और मैं कभी भी लोअर लैश पे मस्कारा नहीं लगा पाती हूँ. तो हमें इसे रखना है ऐसे और मस्कारा लगाना है. आई थिंक इट हेल्प्स क्योंकि अगर आपने आई शेडो किया है और आपको उसको गंदा नहीं करना तो ये आई थिंक उसमें आपकी हेल्प करेगा. वाओ, इट्स नाइसली ब्यूटीफुली डन. और अभी इसको लोअर के लिए भी ट्राई करते हैं कि कितना काम करता है.
मेरा मस्कारा तो नीचे लग गया है प्रॉपर, स्किन पे भी नहीं लगा है, विच इज अ गुड पार्ट। जो मेरा हमेशा का प्रॉब्लम होता है कि स्किन पे लग रहा है थोड़ा सा या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो नहीं हुआ है। देखो क्लीन तो ये काफी लगा है। जो इसका एप्लीकेटर है वो थोड़ा बड़ा भी है लोअर लैश के हिसाब से, सो आई विल नॉट ब्लेम द टूल। तो टूल तो काम कर रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसमें काफी ज्यादा प्रोडक्ट वेस्ट भी हो रहे हैं, बिकॉज यू नो आधा प्रोडक्ट आपका इस पे जा रहा है। तो ये प्रोडक्ट ना काम तो कर रहा है, बट मुझे लगता है इतना ज्यादा यूजफुल भी नहीं है कि उसमें हम अपने 295 रुपीस खर्च करें। तो आई डोंट थिंक सो यू शुड इन्वेस्ट इन दिस वन। इफ यू टॉक अबाउट द आई शेडो, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो मे बी फॉर दैट पर्पस इट्स नाइस, बट दैट इज ऑल्सो फॉर 700 रुपीज। सो नेक्स्ट आइटम जो मैंने ऑर्डर किया है वो है ये, है एक मेकअप ब्रश क्लीनर। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जब भी मेकअप कर रहे होते हैं मेकअप ब्रशेस हमेशा गंदे हो जाते हैं, एंड यू नो मैं हमेशा टिश्यूज रखती हूँ अपने पास टू क्लीन देम। बट इफ दिस वर्क्स आई थिंक मेरा आधा काम हो जाएगा, बिकॉज जब आप आई शेडो मिक्स करते हैं दो तीन कलर में, वी वॉन्ट टू क्लीन अप ब्रश बिफोर वी अप्लाई अनदर कलर। अगर ये काम करता है ना तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा ना डार्क आई शेडो लेते हैं और फिर देखते हैं उसको इस पे क्लीन करके कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है। सो आई हैव टेकन माय मार्स आई शेडो पैलेट और मैं इसका सबसे एक डार्क कलर लूंगी। लेट्स टेक दिस वन ऑरेंज कलर। सो आई हैव टेकन इनफ ऑन माय ब्रश और अब इस पे देखते हैं क्लीन करके। यार क्लीन करने के बाद ना मेरा सारा प्रोडक्ट इस पे आ गया, लाइक इफ यू कैन सी दिस ऑरेंज आई शेडो, और ये ब्रश बिल्कुल क्लीन हो गया है। लाइक मुझे बिल्कुल भी आई शेडो यहाँ पे हाथ पे नहीं आ रहा है, विच मीन्स दिस इज सुपर क्लीन। आई एम सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। आप इसको वॉश कर सकते हो टाइम टू टाइम जब ये गंदा हो जाए, और वापस से इसमें रख सकते हो, सो विच इज गुड। और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा, आई रियली लाइक इट। आई गिव इट अ थम्स अप लाइक 100%। If you are somebody who loves doing the makeup और makeup करते time अगर आपको अपने brushes को थोड़ा clean रखना होता है तो आप इसका use कर सकते हो। ये product मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 87 rupees में, so I think it's worth it। Next item जो मैंने order किया है वो है ये एक paper blush। Not only the blush but ये आपका excess oil भी remove करने में help करेगा, और ये मुझे पड़ा है I think roughly 450 के आसपास। तो अभी इसे open करते हैं, और इसमें मुझे मिली है 50 शीट, सो विच इज क्वाइट डिसेंट। अगर ये काम कर गया ना तो बड़ा सही हो जाएगा, लाइक ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इफ यू आर स्वेटिंग एंड इफ यू वांट टू रीअप्लाई योर ब्लश, ये दोनों का काम करने वाला है। सो अभी अप्लाई करके देखते हैं। मुझे यहाँ पे हल्का हल्का ऑयलीनेस भी हो रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये एक साइड पे प्लेन है, कुछ नहीं है, एक साइड पे यू हैव द ब्लशर। मैंने अपना ओरिजिनल ब्लश रिमूव कर लिया है सो दैट हमको एक्चुअली समझ में आए कि कितना काम करता है। ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है और इसको हमें यहां पे अप्लाई करना है। वाओ, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल नाइस पिंक शेड, आई लाइक इट। इट्स नॉट वेरी पिगमेंटेड बट एट द सेम टाइम इट्स गिविंग यू वेरी नाइस ग्लो। It's very very pretty, I like it. And it has also helped me to remove the excess oil. तो ये दोनों का काम करता है यार, ये काफी ब्रिलियंट प्रोडक्ट लगा मुझे, एंड ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही सही होने वाला है। और आपको ब्लॉटिंग पेपर और ब्लशर अलग से कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये काफी सही प्रोडक्ट है और समर्स के टाइम पे ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो आई रियली लाइक दैट। ये शीट अभी मेरी पूरी तरीके से खत्म ही हुई है, इसमें काफी प्रोडक्ट है अभी, इसको डेफिनेटली रीयूज करने वाली हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स आई डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट। आई रियली लाइक दैट, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक कलर, और साथ ही साथ मेरा जो ऑयल है वो भी अब्सॉर्ब हो गया है, सो मेरे लिए काम किया। तो जो अगली चीज मैंने ऑर्डर करी है वो बहुत ही रैंडम है, विच इज दिस वन। आप लोग सोचो कि नॉर्मल जिपलॉक है इसमें क्या यूनिक है, बट नहीं, ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप इसमें अपने इयररिंग्स चेन्स आराम से रख सकते हैं। तो ये मुझे तीन साइज में मिले हैं, वन इज दिस वन, अदर इज दिस वन, और थर्ड जो मिला है वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। लेट मी शो यू व्हाई।
वो है ये डबल लेन में है। अगर आपको अपनी कोई चेन्स है जो टैंगल्ड हो जाती है हमेशा की तरह, वो आप इसको डिफरेंट पॉकेट्स में एक साथ रख सकते हैं। मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा भर चुका है एज यू कैन सी, और बहुत मैसी भी हो गया है, और मुझे नया ऑर्गेनाइजर नहीं खरीदना, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ ऐसा खरीदूं जो स्पेस भी सेव करे और साथ ही साथ मेरी ज्वेलरी को इंटैक्ट रखे, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजर इज ओवरफ्लोइंग राइट नाउ। तो मैं अभी इसका जो सबसे बड़ा इयररिंग्स है वो इसमें रख के देखती हूँ कि कितना काम करता है। सो वी विल ट्राई टू कीप दीज वंस इन दिस वन। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रीमियम आई है। दे आर नॉट लाइक द रेगुलर जिपलॉक्स दैट यू गेट इन द मार्केट। ये थोड़े से अलग आए हैं, लाइक ये थोड़े से सॉलिड भी है, और ये मुझे पड़े हैं 117 में। अगर आपको कोई लोकल शॉप से और सस्ते प्राइस में मिल जाए प्लीज गो अहेड एंड बाय दैट, बट आई थिंक ये मेरी काफी स्पेस सेव करने में हेल्प करेगा। ये वाले इयररिंग्स इसमें रखूंगी बिकॉज ये थोड़े से बड़े हैं। लेट्स सी कि इसमें जाते हैं या नहीं। ओके, एक तो बहुत आराम से चला गया, दूसरे का टेस्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। यार इसके ना काफी पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज एक तो आप देख सकते हो आपकी ज्वेलरी कहाँ पे रखी है और कौन सी ज्वेलरी कौन से पाउच में रखी है, प्लस साथ ही साथ आपकी सारी ज्वेलरी सेग्रीगेटेड है। थर्ड, ये इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, तो अगर आपको वो हेफ्टी से ऑर्गेनाइजर्स नहीं लेने हैं, इतने महंगे ऑर्गेनाइजर्स नहीं लेने हैं जो आराम से 1000-1200 के आते हैं, देन डेफिनेटली आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मुझे पड़े हैं टोटल 17 पीसेस फॉर 117 रुपीज। सो आई थिंक एज पर द प्राइस आई लव इट। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, लाइक इफ यू हैव अ वेडिंग टू अटेंड, उसमें इतने सारे फंक्शंस होते हैं, आप अपनी ज्वेलरी सेग्रीगेट कर सकते हो। और जैसा मैंने ये वाला बताया था, ये भी मुझे काफी कूल कॉन्सेप्ट लगा। इसको खोल के हम इसमें अपनी चेन्स, दो अलग अलग चेन्स सेपरेट पॉकेट्स में रख सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। यू नो दोनों चेन्स अलग अलग पॉकेट में जा चुकी हैं, उसकी वजह से वो टैंगल भी नहीं होंगी और फिर मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा उनको अलग अलग करने में। सो यस, आई रियली लाइक इट। अगर आप भी चाहते हो आपकी ज्वेलरी जो है इजिली ऑर्गेनाइज हो जाए कम स्पेस में कम पैसे में, तो आप ऐसा कुछ खरीद सकते हो। तो अभी ट्राई करते हैं हमारा अगला प्रोडक्ट, वो है ये एक चाइनीज लिपस्टिक जो मैंने देखी अमेजोन पे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे इसका क्या लगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। कुछ ऐसी वेलवेट लिपस्टिक है और इसको हमें यहां से क्लिक करके खोलना है, और ये अंदर से कुछ ऐसी है, इतनी प्यारी सी लिपस्टिक है, लाइक ऐसे इतनी प्यारी प्यारी सी चीजें बनी हुई है। इट लुक्स सो सो प्रिटी। ये मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी। अभी मैं अपनी ओरिजिनल लिपस्टिक हटाती हूँ, फिर इसका शेड देखते। सो लेट्स अप्लाई दिस। तो मुझे इसका शेड तो काफी ज्यादा प्रिटी लगा, एप्लीकेशन में भी ठीक है, लाइक यू नो इट्स नॉट वेरी वेलवेटी। इन 300-400 रुपीज आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि इतनी ज्यादा वेलवेटी निकलेगी, बट एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको किसी को लिपस्टिक गिफ्ट करनी है कुछ डिफरेंट टाइप में, तो आप ऐसा कुछ गिफ्ट कर सकते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्रिटी है देखने के लिए। आई रियली लाइक इट, इट्स वेरी वेरी प्रिटी। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे कोई एनग्रेव्ड लिपस्टिक देखी है, और उसको अप्लाई करने में मुझे डाउट था कि कहीं खराब ना निकले, बट इट टर्न आउट टू बी अ रियली नाइस वन। और आज का जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है, जो मेरा दी मोस्ट रैंडम प्रोडक्ट होने वाला है, वो है ये एक कंटेनर। आई एम श्योर आप लोग सोचोगे ये क्या है, बट लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस। ये है आपका एक ऑयल एप्लीकेटर। तो यहाँ पे आपके ये एप्लीकेटर्स दिए हुए हैं एंड थ्रू विच यहाँ से ऑयल निकलेगा और वो आपके बालों में जाएगा। अभी हम इसका रियल टेस्ट भी करते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है। लेट मी फिल इट अप विद द ऑयल। बाय द वे इसमें आप 10 ml तक ले सकते हैं, और इसमें हम इसको पोर करेंगे। आई एम गोना पोर लाइक हाफ, और अब देखते हैं कुछ निकल भी रहे या नहीं। मुझे तो ये बड़ा यूजलेस प्रोडक्ट लग रहा है, लग नहीं रहा इसमें से कुछ निकलेगा। यार यहां से तो कुछ भी नहीं निकल रहा, लाइक बहुत हल्का हल्का निकल रहा है, बट आई कैन नॉट फील एनीथिंग। यू नो इतना सा से प्रोडक्ट निकल रहा है, लाइक इट्स वेरी अनॉइंग, और मुझे थोड़ा सा दर्द भी होने लगा इसको ऐसे प्रेस कर करके। आई गेस इसमें से बहुत हल्का हल्का ऑयल निकलेगा, इसका यही एक पर्पस है।
और तो मुझे इसका कुछ पर्पस समझ नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। मैं इतना एंजॉय नहीं कर रही हूँ, बिकॉज प्रोडक्ट आप देख सकते हो मैंने जितना डाला था ये ऑलमोस्ट उतना ही है, बहुत प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। 250 रुपीज इसमें बिल्कुल बेकार गए हैं। आप इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करना, बिल्कुल खराब प्रोडक्ट है ये, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। इतनी देर में तो ना यार मैं खुद ही ऑयलिंग कर लेती। सो यार दीज आर द रैंडम रैंडम थिंग्स दैट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़न, और दिस वाज लाइक द पार्ट वन, बिकॉज इन फ्यूचर आल्सो मैं काफी ज्यादा रैंडम चीजें ऑर्डर करती रहती हूँ अमेज़न, वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कॉमेंट मी डाउन कि आप लोग कौन से रैंडम प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर किए हैं अमेजोन से। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपसे मिलूंगी फ्राइडे को at 6 PM शार्प। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।